हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? आज हम मेरे अमृतसर की यात्रा का आज फोर्थ एंड लास्ट डे है, तो मैं अमृतसर की गलियों में जाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ की मेरा जन्म हुआ था 72 साल पहले, 72 years ago। तो मुझे मालूम भी नहीं है कि मैं शायद वहाँ जगह का ढूंढ पाऊँगा या नहीं ढूंढ पाऊँगा। ये सब जी छोटी छोटी गलियाँ हैं पुराने शहर में। एक चीज़ यहाँ मैंने नोटिस की है कि जितने भी अंदर रेजिडेंशियल घर होते हैं ना, उसे बाहर से एक ही गेट होता है, दूसरी तरफ से कोई भी एग्जिट नहीं होता है। शायद ये सिक्योरिटी वजह की होता होगा, पुराने टाइम में ऐसे बनाते होंगे। ये जो गली है ना जी, ये बनी हुई है, इसके अंदर दूसरी तरफ कोई एग्जिट नहीं है। ये सब पुराने तकरीबन सभी गलियों में ऐसे ही है यहाँ पे। ये है जी पुराने घर अमृतसर के। मुझे इतना ही पता है कि हमारा घर लक्ष्मण सर चौक के आसपास हुआ करता था, तो मैं आने जाने लोगों से पूछता हूँ, कुछ तो पता लग ही जाएगा। इस जगह के आसपास ही कहीं ना लोहारों की दुकानें हुआ करती थी, अंदाजा यही लग रहा कि इसके आसपास ही होना चाहिए। ये जी गली निक्का सिंह, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पुराने अमृतसर को ऐसे खिड़कियाँ होती थी जी। अरे वाह, ये अभी भी पुराने उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। ये एक और गली है जी, इसके मैं आके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। नहीं ये तो नहीं है, ये हमारी गली तो बहुत छोटी हुआ करती थी। ये इन्हीं गलियों में था जी, अब तो बहुत तेज आ गया है। यहाँ इस गली में था, अभी कोई नज़र भी नहीं आ रहा जिससे मैं पता कर सकूं। ये है, ये छोटी छोटी गलियाँ हैं, अमृतसर का पूरा ही ऐसे स्टाइल था। एक ये गली है, इसमें तो नहीं था, इसमें नहीं था। हाँ मुझे बहन जी मिली हैं जी, ये हमारा घर जो था बिस्कुट वालों का मशहूर था, उन्होंने ख़रीदा था 35-40 साल पहले, तो मेरा अंदाज़ा सही निकला है। इस गली में पैदा हुआ था ये 72 साल पहले, 72 years है। हाँ तो केड़ा घर सी उन्होंने पहले ही सी। अच्छा उन्होंने दसना ना जी। तो ये है जी, मैं अपनी तारीफ खुद कर रहा हूँ कि जय सिंह चौक। हाँ जी हाँ जी, और नहीं मैंने याद आएगा, तो मैं अपनी तारीफ खुद कर रहा हूँ जी। मैंने ये कोलंबस के बाद मेरा ही नाम है दुनिया में इस गली में जी। मैं 72 साल पहले पैदा हुआ था, ये बहन जी से मैंने पूछा, इन्होंने मेरी हेल्प की है। मुझे ज़्यादा अंदाजा था कि बिस्को वालों ने हमारा घर खरीदा था, तो उन्होंने ये बतलाया है कि मुझे यही बिस्को वाले घर है। मैं आगे जाके देखता हूँ, छोटी छोटी गलियाँ हैं जी। ओए होए होए, ये मेरे जी बचपन के बिल्कुल एज के थे, लाली उनका नाम था, ये इस गली में रहते थे। उनके बेटे की कहते हैं डेथ हो गई है, वे अभी जिंदा है। वो कितने होंगे लाली, कितने होएगा जी? पता नहीं पता है। हाँ जी, तो कैमिस्ट्री दुकान थी ना, वो पजे भी है की ना है उदा? लाली कहते हैं। मुझे है जी, मैडम मेरी गुस्सा कर रही है कि आप क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं जाता हूँ जी। इस गली में मैं पैदा हुआ था, इन्होंने सब मुझे बता दिया है जी कि मेरी उम्र का आदमी जो था, मेरी जैसी आई कथा, वे यहाँ रहते थे जी। ओए होए होए, ये है जी मेरा जन्म स्थान। ओए होए, देखिए जी ऊपर इसके एक वे रैंप बना होता है जिसके मेरे फादर बिठाते थे मुझे जब मैं छोटा सा था। ये ब्यूटी, ओए होए, ये है जी घर। गली की चौड़ाई जो है 3 फीट से ज़्यादा नहीं है। ये है जी मेरा जन्म स्थान, थैंक यू। सब्जी वाला नहीं, मैंने ध्यान दिया पता भी नहीं। हाँ छोटे छोटे सिक्के थे, और नहीं करता यार। ये है जी है एक हमारे परिवार के नजदीकी मित्र थे, हमारे फादर के क्लोज फ्रेंड थे, एक फैमिली जैसा रिलेशन था। वे भी घर बेच कर चले गए थे। अब ये आगे वाला घर था उनका शायद।